अर्ज किया है, ताउम्र भूल करता रहा, ताउम्र भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीषमा ब्लॉग्स। गाइज, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है आपको पता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई देता नहीं है हमको कि भाई कोई कहे कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप ये करो। नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी पड़ेगी भाई, हमें खुद समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। गाइज, अपना लेवल समझना होगा कि आपकी पोजीशन क्या है, उस पोजीशन पर लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि आपकी होनी चाहिए। सपोज़ कि मैं, मतलब मेरे चाचा जी जो है वो मेरे गाँव के सरपंच हैं। अभी अगर वो सोचें कि हमें कोई ऑर्डर देगा कोई उनका बड़ा सीनियर और फिर वो काम करेंगे, तो वो काम सही नहीं रहेगा गाइज, और ना वो कर पाएंगे। उन्हें खुद से सोचना पड़ेगा कि हमारी, मतलब एज ए सरपंच क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, तो वो खुद जब करेंगे ना तभी कुछ होगा, किसी और के लिए नहीं होगा। कोई क्यों आएगा भाई आपके एरिया में, आपके लिए कोई क्यों करेगा? जब आप अपने एरिया के होके नहीं कर रहे हो, अपनी जगह का आप नहीं सोच पा रहे हो, तो कोई क्यों सोचेगा? तो गाइज, आपको ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई देता नहीं है, हमको लेनी पड़ती है गाइज, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे हम कहीं घूम रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ दिखता है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये हमें सोचना पड़ता है। और यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कि हमें समझ में आता है कि हाँ, हमें इसकी हेल्प करनी है। एज ए ह्यूमन हम भी हैं, हमें भी किसी की ज़रूरत पड़ सकती है, और तो ह्यूमैनिटी नहीं खोना है गाइस, और लोगों की मदद करो जो भी बन सकता है। आप अगर अपने घर के मुखी आओ तो घर के बारे में सोचना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, घर के सारे लोगों के बारे में सोचना, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें। गाइस, आशा करता हूँ आज की वीडियो में आप बोर नहीं हो रहे होंगे। मैं यार थोड़ा सा स्लो बोलता हूँ क्योंकि अभी नया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ जाऊँगा। गाइस, अगर आप देखें तो एक माँ जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सबसे अच्छे समझती है, तो उस माँ को सल्यूट है बॉस। और उसके लिए एक बढ़िया सा सॉन्ग, जब चोट कोई मुझे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी फूंक से तेरी सारे दर्द मेरे होते थे गुम, आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम माँ मेरी माँ। अभी जो मैंने शायरी बताई थी जिसमें बोला था ताउम्र भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, मैं आईना साफ करता रहा, गाइस हमें पता होना चाहिए कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमें काम कहाँ पर करना है, हमें कहाँ की धूल हटानी है। गाइस, एक्चुअली काम तो सभी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी अपनी सभी समझते हैं, बट सही डायरेक्शन में नहीं समझते। हमें खुद से समझना होगा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। कई गांव में आ जाते हैं तो गांव में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, शहर में आ जाते हैं तो शहर में भी बनती हैं। कई मैंने देखा, मैंने नोटिस किया, जब हम दिल्ली में जाते हैं तो वहाँ पे जब मेट्रो में चढ़ते हैं ना, तो कई मेट्रो में जैसे ही कोई बूढ़ी औरत या फिर कोई भी, मतलब लेडीज आती है या फिर कोई डिसेबल पर्सन आता है, तो उसको हम उठ के सीट दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं लोग वहाँ पर, सभी समझते हैं। बट अगर यहीं की बात करें गांव की, यहाँ पर बस में भी चढ़ते हैं तो धक्का मुक्की देते हुए चढ़ना पड़ता है, बहुत दिक्कतों से चढ़ना पड़ता है। तो गाइस, इसमें आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पर कोई किसी को सीट नहीं देता। हाँ, बाई चांस, मतलब 100 में से 10% ऐसे लोग होते हैं जो देते हैं। तो गाइस, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूलना नहीं है, लोग भूल जाते हैं। हमें समझना है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर जगह होती हैं गाइस। अगर हम कैपेबल हैं तो हम दूसरे को सीट भी ऑफर कर सकते हैं और कोई सी भी हेल्प भी, अगर कोई हेल्प की नीड कर रहा है, अगर किसी को हेल्प चाहिए तो हम दे सकते हैं। गाइस, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती कि भाई आप ऐसा कर दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद से ली जाती है। सपोज़ कि अभी हमसे कोई कहे कि भाई इनके लिए कोई सीट दे दो, तो वो मैं उससे यही बोलूँगा ना कि भाई मैं क्यों दूँ, आप ही दे दो। तो वही है भाई, खुद से समझदार बनो, खुद से समझना होता है कि हाँ हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे घर में भी होती हैं, गांव में भी होती हैं, शहर में भी होती है और देश की भी होती हैं। सब जगह के लिए अलग अलग प्रायोरिटी होती है भाई। और मेरा हिसाब यही है कि जहाँ पर आप हो वहाँ पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो,
ज़्यादातर अभी लोग कहते हैं ना मेरे को क्या पड़ी है, मुझे तो बस अपना, वो कहते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जा जनता, ये सबसे गलत है यार गाइस। जनता में हम भी आते हैं, अगर यही सब लोग सोचने लगे तो हमारी हेल्प कौन करेगा। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा यार कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अगर आप अपनी समझते हो तो पूरा देश आगे बढ़ेगा, साथ साथ ही साथ आप भी आगे बढ़ोगे, आपका गांव, आपका नाम, आपका फैमिली, आपका घर जो भी है सबका नाम होगा। और रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हम समझ सकते हैं कि जिस जगह पे हैं हम उसको साफ 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 सुथरा रख सकते हैं, हम अपने बड़ों से अच्छे से बात कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन को अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, उनके साथ अच्छे से बात कर सकते हैं। गाँव में मैंने देखा बेसिकली लोग अच्छे से बात नहीं करते, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं। अभी मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सबसे पहले अपने माँ पापा के लिए देखो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या बनती है, उनसे तरीके से बात करो, उनके लिए टाइम दो। गाइस जब हम छोटे होते हैं हमारे पास कोई दोस्त नहीं होते, तब भी तो माँ पापा पेरेंट्स वगैरह हमारे साथ ही रहते हैं ना, तो हमें उनका साथ कभी नहीं छोड़ना गाइस। और इस टाइम रहते अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझो और उनको पूरा करो, कोशिश करो कि गाइस आपसे कोई गलती ना हो। गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान से ही होती हैं, बट वही है ना कि मतलब हमें पता ही नहीं है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, हमारा फ़र्ज क्या है, हमें करना क्या है। गाइस अगर हम अपनी, अगर एक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और देश के कुछ लोग ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें तो अपना देश बहुत अच्छा हो सकता है। गाइस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आप भी कोशिश कीजिए, जो हो सकता है बन पड़ता है कीजिए। सबसे बढ़िया इंसानियत मत भूलिए गाइस, चाहे कोई भी हो, बच्चा हो, बुज़ुर्ग हो, जो भी हो, तरीके से बात कीजिए उससे। और झगड़े से बेटर है कि उनको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, चाहे कुछ भी बात हो जाए। बाकी हो सकता है कि आप बोर हो रहे हो, क्योंकि यार रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर भाषण सुनना सबको अच्छा नहीं लगता है, बट मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा सा कोशिश कीजिए, मैं भी कर रहा हूँ और सभी कोशिश करेंगे तो हमारा देश अच्छा हो जाएगा गाइस। और बाकी जो भी चल रहा है गवर्नमेंट देख रही है, भगवान करे सब जल्दी अच्छा हो जाए। कई जब हम एक अच्छे सिटीजन बन सकते हैं, जब हम अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं ना, तो उसके बाद हम किसी से भी सवाल भी कर सकते हैं, खड़े होकर कह भी सकते हैं कि भाई हाँ मैंने ऐसा ऐसा किया है, आप भी हमारे साथ ऐसा ही करोगे। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एक अच्छे सिटीजन की तरह रहते हो तो आप गवर्नमेंट से भी आप सवाल जवाब कर सकते हो, उनसे भी कुछ कह सकते हो। बट जब आप अपने ही मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको नहीं निभा पा रहे हो तो दूसरे से क्या कहोगे गाइस। जैसे गांव में क्या होता है, बहुत से लोग बिल नहीं भरते हैं लाइट का, तो लाइट बिल नहीं भरते हैं तो गाइस वो कह भी नहीं सकते, ना तो गवर्नमेंट से बोल पाएंगे, ना भी लाइट वालों से बोल पाएंगे कि गाइस हमारी लाइट क्यों नहीं आ रही है, वो लाइट नहीं आती है, कट जाती है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम भी बहुत सारी होती है। तो मतलब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, बिल हमको ही भरना पड़ेगा, सारे लोगों को अवेयर होना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहते गाइज। अभी तो फिर बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो मैं बताना चाहूँगा गाइज कि अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो तो आपको ही फ़ायदा होने वाला है, तो कोशिश कीजिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है अपनी समझिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे लोगों के लिए होती है गाइज, मम्मी पापा, घर बार जो भी है, और गांव, कस्बा, देश और अपनी लाइफ, ह्यूमंस के लिए भी हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जानवरों के लिए भी होती है कि गाइज अगर हम किसी को दुख में देख रहे हैं तो उनके लिए कुछ कर दो। अगर किसी का मतलब कुछ घाव वाव लगा है तो उसको साफ़ कर दो, उसको पट्टी वट्टी करवा दो, या फिर कोई भी ज़रूरत में है तो उसकी हेल्प करो। ये सारी ज़रूरतें जो भी हैं सबको ज़रूरत पड़ती है गाइज, ऐसा नहीं है कि हम अगर आज अच्छे हैं तो कल हमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़नी है। तो गाइज आप अपने हिसाब से सोचिए ना कि उसकी जगह पर अगर आप होते तो कैसा होता। तो गाइज कोशिश कीजिए कि जो भी हो सकता है आपसे पूरा करें। अभी बहुत सारे लोग आपने देखा होगा मदद के लिए आगे बढ़े हैं कोरोना टाइम में, तो उनने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझा है गाइज। इंडिया में बहुत से लोग समझदार हैं, तो मैं चाहता हूँ और भी बने, तो इसीलिए ये मेरी वीडियो है। आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। गई मैंने देखा है कि जो भी मेरा वॉच टाइम और जो भी लोग आ रहे हैं ना, वो आधे तो सब्सक्राइबर्स होते हैं और आधे नॉन सब्सक्राइबर्स होते हैं। तो गई आप लोग क्यों छोड़ देते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ज़रूर दबाओ, जिससे थोड़ा सा सपोर्ट मिले आपके भाई को। थैंक यू सो मच।